फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनश्वी। आज का हमारा जो ये वीडियो है वो निव्या की क्रीम पे है। तो निव्या ने ये दोनों क्रीमें अपनी चल रही है, ये शायद तक 100 ईयर्स पुरानी क्रीम्स है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, ये निव्या की सॉफ्ट टच क्रीम है और ये जो रेगुलर पैकेज आता था ये दो है। अभी विंटर का माहौल चल रहा है और सर्दियों का तो क्या कहना। तो इसी विंटर में ये दोनों निव्या जो क्रीम है उससे आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है, तो चलिए हमारा ये वीडियो देखते हैं। सबसे जो फर्स्ट यूज़ है वो एज अ हम फेस क्रीम इसको यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों क्रीमों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसकी थिकनेस कुछ ज़्यादा ही है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा थिक फॉर्मेट में आती है। ये जो निव्या का सॉफ्ट टच क्रीम है एकदम से मीडियम फॉर्मेट में आती है, जैसे कि आप देख सकते हो। दोनों क्रीमों में सिर्फ इतना ही डिफरेंट है कि ये जो है थिक फॉर्मेट में है, ये जो है थोड़े मॉइस्चराइज फॉर्मेट में है। तो इन दोनों को आप एज अ फेस मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड यूज़ जो इस क्रीम का है वो है, विंटर में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो जो ऑयली स्किन वाले हैं उन लोगों को क्या लगता है कि ये जो निव्या की ये हार्ड क्रीम है, जो रेगुलर निव्या की क्रीम आती है, इसको थोड़ा थिक फॉर्मेट में आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फेस पे पूरा फैलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और कभी कभी क्या होता है उसकी वजह से उनको पिंपल्स आने लगते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है, एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल मैंने थोड़ी सी मैंने हाथ पे निकाली है, बस इतनी सी ही आपको एलोवेरा जेल लेनी है। ये जो निव्या की क्रीम है उसे मैं सिर्फ इतनी ही लूँगी, ज़्यादा नहीं, इतनी ही क्रीम, और इन दोनों को मैं मिक्स करके मेरा एक फेस क्रीम बनाऊंगी। ये जो क्रीम बनी है इसे आप अपने फेस पे पूरे तरीके से अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद रात को सो जाइए और सुबह उठ के अपना फेस वॉश, जो रेगुलर मॉर्निंग रूटीन है वो कीजिए। इसी तरीके से जिसको ड्राई स्किन है, जैसे कि हमने ये एलोवेरा का और निव्या का जो फिक्स बनाया, उसी तरीके से जिसकी ड्राई स्किन है वो लोग ग्लिसरीन और निव्या, इन दोनों चीज़ों को, ग्लिसरीन और निव्या, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसी तरीके से इसी कंसिस्टेंसी में एक फॉर्मेट बना के अपने फेस पे अप्लाई करें और रात को सो जाए। उसके बाद मॉर्निंग में उठ के देखेंगे तो आपकी भी स्किन ज़रा भी ड्राई फील नहीं होगी, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को क्या होता है, एक तो उनकी ड्राई स्किन होती ही है, उससे ऊपर से आ गया विंटर, तो उसमें हम फेस वॉश अगर करेंगे तो उसकी वजह से हमारी स्किन और भी ड्राई हो जाती है और पूरे खिंची खिंची हो जाती है और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो उसकी वजह से ग्लिसरीन क्या करता है, आपकी स्किन को प्रिवेंट करता है और आपकी स्किन में जो भी ड्राइनेस है उसे निकालता है और उसके साथ निव्या उसको एज अ मॉइस्चराइजर हेल्प करती है। अभी हमारा जो थर्ड यूज़ है फ्रेंड्स, विंटर में जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उसी तरीके से आपकी स्किन को उतना ही विंटर हेल्पफुल भी रहता है। विंटर में आप बहुत ही अच्छे से स्किन की केयर करो तो आपकी स्किन जो खिलेगी ना वो कोई भी सीज़न में नहीं खिलेगी। और जिन लोगों को पिंपल है उसके लिए तो ये सीज़न बेस्ट है, क्योंकि लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो निव्या क्रीम है दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर लीजिए, आप एप्पल साइडर विनेगर को मिक्स कीजिए और उसका थोड़ा सा थिक फॉर्मेट बनाइए और उसको अपनी स्किन में ऐसे मर्ज करके इस तरीके से डैप मोशन में अपने फेस पे लगा दीजिए। एप्पल साइडर विनेगर है जो आपकी स्किन में फुल नाइट आप उसको नहीं रख सकते हो, तो अगर आप चाहते हो 20-25 मिनट और 30 मिनट उसको अपने फेस पे रखें, अच्छे से फेस को फेस वॉश से क्लीन कर लीजिए 30 मिनट्स के बाद, और इस स्टेप को कम से कम 15 से 20 दिन तक आप फॉलो कीजिए, तो आपके जो भी डार्क धब्बे हैं, पिगमेंटेशन के जो डार्क धब्बे हैं वो भी आपकी स्किन पे से 100% चले जाएंगे। हमारे फोर्थ यूज़ पे, बहुत सारे इंडियन लेडीज़ को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनकी एड़ियाँ फटी हुई रहती है, उनके जो एल्बोज है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने निव्या की क्रीम ले ली है, अभी जो ये विटामिन ई की टेबलेट है, और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इस फॉर्मेट को आपकी जो अगर क्रैकल्स है तो उस पर अप्लाई कीजिए, अदरवाइज ये जो डार्क एल्बोज आपके होते हैं इस तरीके से लगा के आप इसको मसाज कर दीजिए 2-5 मिनट्स के, इसको ओवरनाइट रख के सो जाइए। और अगर आप पैरों पे हील्स पे अगर लगाते हैं इसको तो आपके पैरों के शॉक्स होते हैं उसको पहन लीजिए, इसको फिर सुबह में अच्छे से फॉइलर से क्लीन कर दीजिए, तो फिर ये प्रोसेस को आप 15 दिन फॉलो करेंगे तो आपके जो हील्स है वो बिल्कुल भी क्रैक नहीं रहेंगे और एकदम से खूबसूरत हो जाएंगे। फिफ्थ यूज़ है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपकी जो निव्या की क्रीम है उसको कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स कीजिए
दोनों की कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी ही हमको लेनी है। जितना आप निविया की क्रीम लोगे उतना ही कोकोनट का ऑयल लेके दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे पूरा मसाज कीजिए और उसके साथ ही आपका मेकअप पूरा रिमूव हो जाएगा। तो उसी तरीके से अच्छे से फिर कॉटन पैड से साफ करके अपना फेस वॉश कर लीजिए। आपका मेकअप रिमूवर रेडी है। सिक्स यूज पर शादी का सीजन चल रहा है तो शादी के सीजन में विदाउट मेकअप जाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। और तो हमारा फाउंडेशन लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं उस टाइम पे क्या हो जाता है कि पूरा मेकअप एक जगह पे रह जाता है और ड्राई स्किन होने की वजह से पूरे फेस पे मतलब जैसे पपड़ियों जैसा पूरा मेकअप डल हो जाता है। हमारा जो ये फाउंडेशन है उसको निविया क्रीम के साथ हमें मिक्स कर देना है, उसके बाद हमें फेस पे अप्लाई करना है। तो ये आपके लिए बेस्ट स्किन का ऑप्शन रहेगा और ड्राई फेस पे भी मेकअप अच्छे से वर्क करेगा। एकदम से जैसे कि आप कोई क्रीम लगा रहे हो वैसे ही आपके पूरे फेस पे एकदम से फ्लॉलेस मेकअप हो जाएगा। हमारा जो सेवंथ यूज है, जो लोग अपना वेट लूज कर रहे हैं या तो फिर कर चुके हैं, जहाँ पे भी आपको स्ट्रेच मार्क्स है वहाँ पे निविया क्रीम को आप अच्छे से अप्लाई कीजिए। इसको कम से कम एक मंथ तक इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपके जो स्ट्रेच मार्क्स है आपको लगेगा कि धीरे धीरे वो कितने कम हो जा रहे हैं और एक महीने में तो समझो चले ही जाएंगे। हमारे आठवें यूज पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब भी आप नहाने के लिए जा रहे हो मॉर्निंग में, उससे पहले आपको जो भी मॉर्निंग रूटीन है आप करते हो तो मॉर्निंग रूटीन के टाइम पे आप थोड़ी सी निविया की क्रीम ले लीजिए कोई भी आपकी चॉइस के हिसाब से और उसमें थोड़ी सी टर्मरिक डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद पूरे फेस पे आप एज अ फेस पैक अप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो छोटे छोटे स्पॉट रहते हैं, जैसे कि मेरे को यहाँ पे पिंपल्स के जो स्पॉट है यहाँ पे है, एक यहाँ पे भी शायद आपको दिख रहा हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, तो ये छोटे छोटे जो स्पॉट हमारी स्किन पे है वो अच्छे नहीं लगते और जो अनइवन स्किन टोन है वो भी इससे बहुत ही ज़्यादा तरीके से चला जाएगा। तो इसको वीक में 2 बार जरूर से अप्लाई कीजिए। टर्मरिक और निविया क्रीम को अच्छे से फेस पैक की तरह लगा लीजिए अपने पूरे फेस पे और इसको 15 से 20 मिनट तक जब आप नहाने जाओगे तब तक रहने दीजिए अपने फेस पे, फिर इसको वॉश कर दीजिए। जो हमारा 9th यूज है, हाँ बेबी आपको कहीं भी कटा हुआ है या तो फिर कुछ लग जाएगा तो इसे आप तुरंत ही अपने जहाँ पे भी आपको कटा है या तो फिर लगा है या आपको जलेगा कुछ भी जला हुआ है कुछ भी, तो आप उस पे ये लगा लीजिए। उससे आपको तुरंत ही ठंडक हो जाएगी उस जगह पे और वो ज़्यादा बर्न नहीं होगा। यूज़ देखेंगे कि हमने टर्मरिक और निविया को फेस पैक की तरह यूज़ किया, उसी तरीके से यहाँ पे रोज़ वाटर और निविया को उसी तरीके से मिक्स कर देना है और अपने पूरे फेस पे एज अ फेस पैक अप्लाई कर देना है। थोड़ा सा ये ड्राई रहेगा, वो टर्मरिक वाला थोड़ा थिक रहेगा। तो हमारा ये 10 यूज ऑफ निविया क्रीम आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइए। और अगर आपको मेरे ये प्यारे प्यारे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे इस वीडियो को बहुत सारे लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।